वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन गरीब मजदूर सबके लोगों के लिए समस्या खड़ा हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि घर में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। कई घर तो ऐसे हैं जहां दो वक्त की रोटी के लिए पाका कसी हो रही है। सबके बीच भगवान बनकर खड़े रामपुर राम प्रधान बैद्यनाथ सिंह ने गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए मुसीबत की घड़ी में मददगार बनने के लिए आगे आए हैं। लॉकडाउन के चलते जिन घरों में खाने पीने की सामग्री समाप्त हो गई है, उन्हें आवश्यक सामग्रियों के पैकेट पहुंचाई जा रही है और ग्राम प्रधान द्वारा क्रेडिट कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन वितरण कराया गया। आपको बता दें कि पात्र गृहस्थी यानी सफेद कार्ड मुफ्त में श्रेणी में नहीं आते हैं। उन सभी कार्ड धारकों को वितरण अपने व्यक्तिगत धन से राशन कराया जा रहा है। साथ में मास्क साबुन सैनिटाइजर में वितरण किया गया। प्रखंड समाज सेवी व ग्राम प्रधान बैजनाथ सिंह ने कहा कि इस जानलेवा वायरस के फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन आवश्यक है, लेकिन लगातार कई दिनों से लॉकडाउन के चलते गरीबों के घरों में भुखमरी की स्थिति बन गई है। कोरोना जैसी भारी महामारी के चलते पूरा देश लॉकडाउन है। वही ऐसे राजनीतिक दल समाज सेवी है जो इन गरीबों को राशन समेत साग सब्जी और खाने पीने के सामान पहुँचा रहे हैं। प्रखंड समाज सेवी लोगों का कहना है कि लगातार 21 दिन से घरों में रहने के दौरान गरीबों के घरों में भुखमरी की स्थिति बन गई। ऐसे लोगों के लिए मुसीबत की घड़ी में उन्हें मदद करना हमारा धर्म है। मौके पर कोटदार महेंद्र तिवारी, वीर बहादुर सिंह, भगवान सिंह, मनीष तिवारी, पुनेसर, लोग और अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे।